गाइस, क्या आपको पता है कि इस टाइम दुबई के अंदर वीज़े लगना शुरू हो चुके हैं। अनस्किल्ड जो वीज़े की प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब पिछले 2-3 दिनों से ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको अभी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, और इसमें कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको अभी अगर वो अनस्किल्ड वीज़ा स्पेशली अप्लाई कर रही हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आ रही। आज आप लोगों के साथ पिछले जो 3 दिनों में हुआ है, जो मैंने सर्च किया है, जो लोगों से मेरे रबते हुए हैं, जिन लोगों से मैंने सवाल जवाब किए हैं स्पेशली अनस्किल्ड वीज़ा के बारे में, उनका क्या कहना था। दुबई के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जिनसे मेरा रबता हुआ, जो लोग टाइपिंग सेंटर में काम वगैरह करते हैं, जिनसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, क्योंकि आपको पता है जो टाइपिंग सेंटर वाले होते हैं उनका काम ही यही होता है, डेली बेसिस पे वीज़ाज अपडेट करना, लोगों को वीज़ा लगवा के देना। कोई विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहा होता है, कोई वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहा होता है, कोई फ्रीलांस वीज़ा अप्लाई कर रहा होता है, तो ये तमाम से चीज़ें उनको पता होती हैं। तो आज आप लोगों के साथ मैं जो पिछले 3 दिनों में मेरी डिस्कस हुई है शेयर करूंगा। इस पे सबसे पहले देखिए, क्या वर्क वीज़ा लोग अभी कमेंट्स करके कह रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से लग रहा है, क्या हमें भी अभी वर्क वीज़ा मिलेगा या नहीं। देखिए, क्या इस टाइम विजिट टू वर्क वीज़ा कन्वर्ट हो रहा है या नहीं, ये आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो लोग कैंसिल होके बैठे हुए हैं रूम के अंदर, यानी कि उनका जो टाइम पीरियड था वो भी ख़त्म हो चुका है, उसके बाद भी क्या उनको विजिट वीज़ा मिला है, क्योंकि उनका जब टाइम पीरियड ख़त्म होता है, वीज़ा ख़त्म होने के बाद, कैंसिल होने के बाद, जो 1 महीने का टाइम होता है वो ख़त्म होने के बाद आपको मुल्क छोड़ना पड़ता है, कंट्री छोड़नी पड़ती है। तो अगर आप लोग नहीं छोड़ते हैं तो आप लोग विजिट वीज़ा लेते हैं, और विजिट वीज़ा वाले कह रहे हैं कि क्या हमें अभी वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस बारे में मैंने जो डिस्कस की है वो भी आप लोग साथ शेयर करूंगा। और जो लोग कह रहे हैं कि क्या सर हम लोग इस टाइम डायरेक्ट पाकिस्तान से दुबई आ सकते हैं वर्क वीज़ा पे या नहीं, या हमें विजिट वीज़ा लेकर दुबई आना चाहिए और जॉब सर्च करनी चाहिए, ठीक है, ये भी सवाल आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जो लोग दुबई के अंदर इस टाइम विजिट वीज़ा पे मौजूद हैं, जो नए आए हैं पाकिस्तान से, क्या उनका अभी विजिट वीज़ा लग रहा है या नहीं, ये चीज़ भी आज आप लोग के साथ डिस्कस करनी है। तो गाइस, सबसे पहले देखिए बात करेंगे कि जो लोग विजिट वीज़ा पे आना चाहते हैं पाकिस्तान से दुबई, तो देखिए अगर तो आप लोग एज अ विजिटर आना चाहते हैं तो आप लोग मोस्ट वेलकम, आप लोग ज़रूर जाएं, दुबई आपको वेलकम करेगी आप लोग अगर एज अ विज़िटर जाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग एज अ वर्कर जाना चाहते हैं, एज अ विज़िट के तौर पर जाना चाहते हैं और जाके वहाँ पे अपना वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने विज़िट वीज़ा को, तो ये टाइम आप लोगों के लिए सही नहीं है, क्योंकि इस टाइम जो विज़िट वीज़ा पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वीज़ा मिलने में मुश्किल हो रही है। अगर आप लोग वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग डायरेक्ट पाकिस्तान से किसी ऐसी कंपनी में अप्लाई करके आए, डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे, ना ही विजिट वीज़ा पे। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से लोगों के वीज़े लगना शुरू हुए हैं, अनस्किल्ड वीज़ा लोगों को मिल रहे हैं। अब इसमें जो लोग कह रहे हैं क्या ये बड़ी कंपनीज़ हैं या छोटी कंपनीज़ हैं, क्या डिटेल है थोड़ी इसके में, इसके बारे में डिस्कस करें आप। देखिए, पिछले 3 दिनों में जो मेरी डिस्कशंस हुई हैं मुख्तलिफ़ जो टाइपिंग सेंटर वाले हैं दुबई के अंदर, जब मैंने उनसे रابطہ करने की कोशिश की, दुबई के अंदर कहने का मतलब है पूरे UAE के अंदर, यानी अबू धाबी, अलैन, शारजा, दुबई, जितने भी स्टेट्स हैं दुबई के, तो जब मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया तो उनका कहना था कि देखिए पहले सिस्टम किसी टाइम कुछ होता है, किसी टाइम कुछ होता है। कहने का मकसद था कि सुबह को लग जाते हैं वीज़े, शाम को जब कुछ और लोग आते हैं, जब हम उनका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनका वीज़ा अप्लाई नहीं होता, एरर आता है। अब इसमें अनस्किल वीज़ा कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ लोगों का प्रोसेस हो जाता है और कुछ लोगों का प्रोसेस नहीं होता। ये टाइम पे डिपेंड भी नहीं करता कि किस टाइम वीज़ा लगे, किस टाइम पे ना लगे। अभी बात यूं ही है, कभी लगता है कभी नहीं लगता, तो इसलिए पहले की तरह सिचुएशंस नहीं थी। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों को तो पता ही होगा कि बिल्कुल भी वीज़ा नहीं लग रहा था, स्पेशली अनस्किल्ड।
अभी कुछ दिनों से अनस्किल्ड वीज़ा लग रहा है, अभी उस टाइम में एरर आ जाता है, इसी टाइम लगना शुरू हो जाता है। अब ये सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो वीज़ा एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब जो लोग जिन लोगों का रिजेक्ट हो रहा है वो लोग कहते हैं कि सर हमारा वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहा है। देखिए, अब मैं सिस्टम से जाके नहीं पूछ सकता कि आपने फलां बंदे का वीज़ा क्यों रिजेक्ट किया है। इसके पीछे एक ही बात हो सकती है, हो सकता है आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन में कोई मिस्टेक हो, जिन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे आप लोगों ने अप्लाई किया है, हो सकता है उन डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम्स हो, इस वजह से आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और देखिए, कुछ लोगों को वीज़ा मिल जाता है, कुछ लोगों का रिजेक्ट हो जाता है। अब इसमें आप लोग ये नहीं कह सकते कि दुबई में जो वीज़ा है बंद है, नहीं, दुबई के अंदर वीज़ा ओपन है, लोगों को मिल रहा है, तमाम तर लोगों को वीज़ा दुबई का मिल रहा है, कुछ लोगों को मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता। अब जो लोग विजिट वीज़ा के अंदर मौजूद है दुबई में, क्या उनको वीज़ा मिलेगा? तो देखिए, प्रॉब्लम्स ही उन लोगों की चल रही है जो लोग विजिट वीज़ा पे मौजूद हैं या नया वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें अब देखिए, जो लोग कैंसिल करके अपना पीरियड ख़त्म किया है और उन लोगों ने बाद में विजिट वीज़ा अप्लाई किया है, तो उनका स्टेटस न्यू हो जाता है। पहले वाली जो उनकी एमिरेट्स आईडी होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, तो उनको वीज़ा मिलना भी मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता आप लोगों ने कैंसिल किया है कंपनी में और आप लोग अपने जो आपका पीरियड टाइम होता है 1 मंथ के अंदर अंदर, आप लोग अगर किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को इजीली वीज़ा मिल जाएगा। वो भी एक और बात उसमें आप लोग याद रखिएगा कि अगर आप लोग जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी में कोटा हुआ, तो ये ना हो कि जिस कंपनी में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी में कोटा ही ना हो, तो फिर आप लोगों को वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो जो लोग विजिट वीज़ा पे दुबई के अंदर मौजूद हैं, अगर वो लोग अपना वीज़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि उनको वीज़ा मिले या ना मिले, इस टाइम 100% आपको आपकी कंपनी का अरबाब भी नहीं बता सकता, क्योंकि सिस्टम का काम है किसी टाइम एक्सेप्ट कर लेता है, किसी टाइम रिजेक्ट कर देता है। ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब जो वीज़े जिन लोगों को मिल रहे हैं, अगर आप लोग उनसे पूछें तो वो आप लोगों को कहेंगे कि जी वीज़े खुले हुए हैं, वीज़े बिल्कुल भी बैन नहीं है। और अगर जिन लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और आप लोग उनसे बात करेंगे कि क्या भाई दुबई के वीज़े खुले हैं या बंद है, थोड़ा गाइड कर दे, तो 100% मैं आप लोगों को कहता हूँ कि वो बंदा आप लोगों को कहेगा कि इस टाइम दुबई के वीज़े बंद हैं। ठीक होगा गाइज, आप लोग डिटेल समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हैं, मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं ताकि नेक्स्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिले। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।